जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद् गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं और ऐसा माना जाता है कि मानव जीवन के हर समस्या, संकट, परेशानी, वे निराशा, असफलता का जवाब श्रीमद् भगवद् गीता में ही है। और जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से इन श्लोकों का अध्ययन करता है और इन श्लोकों में अपने जीवन में अपनाता है, उसके जीवन में सुख, शांति, सफलता सदैव बनी रहती है। आज के इस आधुनिक युग में कई सारे धार्मिक किताबें ऐसी हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु हमारे हिंदू संस्कृति की आस्था भगवद गीता न केवल एक किताब है, बल्कि ये एक संपूर्ण धर्म है जिससे साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपनी बुद्धि, शरीर और चेतना पर नियंत्रण पा सकता है। वैसे तो भगवद गीता में कई श्लोक हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, पर भगवद गीता के एक श्लोक जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है और वो ये है कि अन्याय को सहना अन्याय करने के बराबर होता है, इसीलिए कभी भी ना अन्याय का साथ दीजिए और ना ही किसी पर अन्याय कीजिए। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, आत्मा अमर है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। निर्णय लेते समय ना ज़्यादा खुश हो और ना ही ज़्यादा दुखी, ये दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय लेने नहीं देती है। भगवद गीता में कहा गया है, कोई भी कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो उसे भुगतना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। मनुष्य पूर्ण ज्ञानी नहीं है, इसीलिए कर्म फलों का ठीक से नहीं समझकर भाग्य को ही कोसता रहता है। विधि के विधान के अनुसार ही कर्मों का फल कब, कैसे, कहां और किस रूप में मिलता है ये कोई पहले से नहीं बता सकता, लेकिन ये तो तय है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल अवश्य मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा। तो दोस्तों, इस पर एक कहानी सुनिए। जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है वो तुम्हारे अपने बनकर पैदा होते हैं, लेना देना नहीं होता तो वो नहीं आएंगे। एक फौजी था, उसके माँ नहीं थे, बाप नहीं थे, शादी नहीं की थी, बच्चे नहीं थे, भाई ना बहन कोई नहीं, अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा कर जा रहा था। तो थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती भी हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने के उतने ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा और उसका मुनाफा तुम्हें दे दूंगा। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया, सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया, कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार भी बढ़ गया। थोड़ी ही दिन में लड़ाई लग गई, लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी बहुत ही बदतमीज थी, वो फौजी की बात नहीं माना, जितने ही जोर से फौजी लगाम खींचने लगा उतने ही तेज से घोड़ी भाग रहा था, खींचते खींचते लगाम के टोर टूट गया और घोड़ी तोड़ के दुश्मनों के गोले में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मन ने वार किया, फौजी भी मर गया और घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया है तो सेठ जी बहुत खुश हुआ, उसका कोई वारिस भी नहीं था, अब किसी को पैसा भी देना नहीं है, अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमकने लगा, लेने वाले भी नहीं रहा, तो सेठ जी बहुत खुश हुआ। तब तक कुछ दिन के बाद सेठ जी के घर में एक लड़का पैदा हुआ, अब सेठ जी और भी खुश हो गया कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाले भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश हुआ, वो लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था, सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया, जब वो पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये कारोबार संभलने लगेगा,
चलो अब इसकी शादी करते। सेठ जी का बेटा अमर विवाह योग हो चुका था। अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या देखकर अमर की शादी हो गई। अब सेठ कहता, कुछ ही दिन के बाद अमर व्यापार संभालने लगेगा, मेरी जिंदगी सफल हो गई, और क्या चाहिए मुझे। अमर की शादी हुए मुश्किल 2 ही महीने हुए थे। अमर सड़क पार कर रहा था, उसे चक्कर आ गया और वो गिर गया। लोग उसे उठाकर अस्पताल पहुंचे। उसे एक लाइलाज बीमारी हो गई थी। सेठ ने डॉक्टर से कहा, पैसे की चिंता मत कीजिए, आप इलाज करें। डॉक्टर और अस्पताल बदलते गए और अमर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। सेठ अब व्यापार पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, उसके कस्टमर छूटते जा रहे, अस्पताल के बिल बढ़ते जा रहे थे। अब सेठ पर कर्ज काफ़ी हो चुका था, सेठ परेशान था। अब अमर को डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, सेठ हार चुका था, किसी चमत्कार की आशा में बैठा था। चमत्कार तो नहीं हुआ, पर अमर इस दुनिया में नहीं रहा। महीने जिंदगी के जंग लगने के बाद वो हार चुका था। सेठ के घर में हाहाकार मच गए। सेठ, सेठानी, अमर की पत्नी सब विलाप कर रहे थे, यहाँ तक कि घर की नौकरानी भी रो रो कर बुरा हाल था। एक साधु उधर से गुजर रहे थे, रोने की करुण आवाज़ सुन के रुक गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया है। सेठ गुस्से से बोला, मेरे साथ ही क्यों। साधु ने कहा, सर कर्मों का फल है, यहाँ ही चुका कर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। सेठ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए उधार पैसे लिए थे, जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिसके पैसे थे उसे लौटाए नहीं। सेठ ने कहा, गलत, वो मर गया था, किसे लौटाता। साधु ने कहा, झूठ नहीं, तुम भूल गए, उसके मरने के समाचार पे तुम कितना खुश हुए थे, उस दिन तुमने मिठाई भी बांटी थी, क्या मिठाई बांटना सही था। तुम उसके पैसे को सरकार को या फिर अनाथालय में किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते थे, परंतु तुमने नहीं दिया, तुम्हारी नियति में खोट। सेठ शर्मिंदा था। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहां पर आज से 20 साल पहले खड़ा था। आज ना तो पैसा था, ना व्यापार थी, ना पुत्र, और ढेर सारा कर्ज था। साधु ने कहा, ये तुम्हारा पुत्र वही फौजी था जो अपना हिसाब करने आया था, हिसाब कर लिया और चला गया, जितना उसने तुम्हें दिया था सूद समेत वापस ले लिया। तुमने उसकी शिक्षा, शादी, अस्पताल सब पर बहुत खर्च किया, जब वो गया तुम्हें भिखारी बनाकर गया। सेठ ने दुख मन से बोला, मान लिया ये मेरी गलती थी, लेकिन इस बेटी की क्या गलती थी, इसे तो सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी। साधु ने कहा, ये इसका कर्मों का फल था, ये पिछले जन्म में वही घोड़ी थी जिसके चलते ही फौजी की जिंदगी खत्म हुई। आज फौजी ने बदला ले लिया और इसकी जिंदगी नर्क बनाकर चला गया। जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है, हो सकता है बीज आपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हो, वही बीज पेड़ बन जाता है तब हमें पता चलता है, इसीलिए आप कैसे बीज लगाते हो ये हमेशा याद रखो, प्रकृति हिसाब करती है, आप याद रखो या ना रखो, लेकिन प्रकृति हमेशा याद रखती है। सेठ निरुत्तर हताश घर की सीढ़ी पर बैठा अपने कर्मों को कोस रहा था। इसीलिए हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दे, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती पर असर पूरी करती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और बोले जय श्री कृष्णा।